बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज हम पढ़ेंगे आज हम बेसिकली सीखेंगे कि मैप हम कैसे पढ़ते हैं राइट सो विल रीड हाउ टू रीड अ मैप फर्स्ट विल रीड अबाउट द अबाउटिट ऑफ मैप ओके सो वॉट बेनिफिट्स ऑफ मैप एंड हाउ टू रीड अ मैप ओके सो मैप फर्स्टली इज अ मैप इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया इन विच फिजिकल फीचर्स ऑफ सिटीज रोड एक्सेट्रा आर श्रोन मैप हैव लाइन्स एंड सिम्बल्स ड्रॉन फ्लैट सर्फेस लाइक पेपर और क्लॉथ तो मैप क्या है एक ड्रॉइंग है एक एरिया की जो आपको उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है फिजिकल फीचर्स मतलब कि आज की वो लैंड है वाटर है ये क्या हो गए फिजिकल फीचर्स हो गए वो सिटी है रोड है राइट right? जब आप उसको किसी एक फ्लैट सर्फेस पे पेपर या क्लॉथ पे बनाते हो ऐसी ड्राइंग को क्या बोलते हैं हम मैप ओके जैसे कि हम अब इंडिया का मैप देखते हैं ये वाला तो हम ये क्या है हमें फिजिकल फीचर बता रहा है अच्छा ये हमने ब्लू कलर से बना दिया तो ओके okay, पानी होगा ये ऐसे कलर से हम बना रहे हैं तो मतलब अच्छा ओके okay, लैंड होगा राइट right? हमने ये कलर्ड किया ये वाइट रखा तो हमने क्या बता दिया अच्छा ये नेशनल बाउंड्री है और राइट सो हमें इससे बहुत सारी चीजें देखने को समझने को मिलती है सो दिस इज अ मैप अर वट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैप so a मैप हेल्प्स अस टू नो things एंड places विद रिस्पेक्ट टू other अदर थिंग्स तो हमें जैसे पता चला ओके okay, यहाँ पे उड़ीसा है अच्छा यहाँ पे केरला ओके डिस्टेंस okay, हम देख पाते हैं दूर है पास है ठीक है इट गाइड्स अस टू रीच एट एनी अन नोन प्लेस राइट इज ऑल्सो हेल्प्स हमें अगर ये और डिटेल्ड मैप हो तो हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर हमें जाना है? है ना हमें पता चल सकता है हम कैसे जा सकते हैं इट सेवस अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग लॉस्ड इन प्लेस राइट नो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ मैप अ मैप इज अ टूल मोस्टली यूज इन जोग्राफी इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सर्फिस अ बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स इज कॉल्ड इन एटलेस मैप रीडिंग इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टूडे मैप्स आर क्वाइट ईजी टू रीड लेटस लर्न टू रीड मैप अब एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप हों उसको क्या बोलेंगे हम एटलेस राइट लेथ से कोई एक बुक है जिसमें इंडिया का मैप है देन इंडिया के हर एक पर्टिकुलर स्टेट का मैप है वर्ल्ड के मैप है ऐसी बुक को हम बोलते हैं एटलेस तब तो हम इसको पढ़ना सीखते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जैसे डायरेक्शन क्या है सो द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप इन फर्स्ट इन मोस्ट मैप्स वी कैन सी द फॉलोइंग डायरेक्शन मार्क्ड इन बोल्ड लेटर्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट The sun helps us to know the direction because it always rises in the east. A simple drawing to show these figures' direction is called a compass rose. It is used to show direction on a map. If you stand facing the sun in the morning, you are facing east. Your back is facing west, your left is facing the north, and your right side is facing the south. Now, let's understand this.

सो so, ऐसे हम डायरेक्शन पता करते हैं नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट टर्म इज स्केच सो अ स्केच इज अ रफ ड्राॅइंग ऑफ अ प्लेस विदाउट अ स्केल लेट से मैं एक बना दू कि यहाँ पे आपका घर है यहाँ पे आप राइट ऐसे घूमे राइट टर्न लिया फिर आपका स्कूल आ गया ठीक है तो ये क्या हुआ एक रफ स्केच हुआ इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितने दूर है डिस्टेंस राइट So this is a rough sketch. Next comes the scale. It is not possible to show the exact distance between places on a map because maps are drawn on paper and paper is small. Scale is the number of kilometers that a certain distance on a map represents. A distance of 500 kilometer will be shown as just 5 cm on a map. Now a world. Hai, ya, fir, aap apne india तो अगर आप उसको बनाने लगोगे मैप पे तो उतना ही बड़ा आपको पेपर चाहिए होगा बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्या स्केल कि हम कोई बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ में भी दिखा पाएं और एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट्स बता पाएं लेट्स से अगर अब मैं बात करती हूँ कि आपने 500 हंड्रेड किलोमीटर्स दिखाना है ठीक है 500 हंड्रेड किलोमीटर दो जगह के बीच का डिस्टेंस है आप उसको मैप में कैसे दिखाओगे एज अ फाइव सेंटीमीटर राइट तो लेट्स से आपने क्या बोला कि ये जो आपका घर है स्कूल से कितना दूर है कितना दूर है 500 किलोमीटर राइट right? तो आपने इसको स्केल में कितना दूर दिखाया 5 सेंटीमीटर आपने इसको दूर दिखाया ठीक है 5 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई चीज़ कितना थाउजेंड किलोमीटर दूर है लेट से ये क्या है आपका घर है ये है क्या एक गार्डन ये कितना कितना दूर है थाउजेंड किलोमीटर दूर है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी इसको मैं दिखाऊंगी इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए टेन सेंटीमीटर ओके तो ये स्केल आप सेट करते हो ठीक है ये स्केल हमने सेट किया था कि 500 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सो दिस इज अ स्केल ओके नाउ कम्स नेक्स्ट टर्म विच इज मैप लेजेंड सो मैप लेजेंड और की टू सिम्बल्स लाइन्स एंड पिक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट प्लेसिस ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा ऑन अ मैप दीज सिम्बल्स आर एक्सप्लेन इन अ मैप लेजेंड अब देखो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने मैप में समझानी है ठीक है आपने स्कूल बताया प्ले ग्राउंड बताया देन आप अपना घर बता सकते हो आइसक्रीम पार्लर हो सकता है तो ये सारी चीजों के लिए आप क्या सिंबल्स यूज करते हो राइट right? आप बिल्कुल एक ड्राइंग तो बना नहीं सकते सो दीस आर द सिंबल्स दैट यू यूज्ड सो सम कॉमन सिंबल्स ऑफ अ नेबरहुड आर शोन बिलो फॉर एग्जांपल टेलीफोन बूथ हॉस्पिटल्स पब्लिक टॉयलेट्स मेल एंड फीमेल देन पेट्रोल पंप बस स्टैंड एंड एयरपोर्ट ओके नाउ कम्स द लैंडमार्क सो व्हाट इज अ लैंडमार्क زيد अदर प्लेसेस

या फिर आप बोलोगे कि वहाँ पे मार्केट के साइड में कोई पार्क है और राइट सो दीज आर लैंड मार्क्स दैट यू गिव अब आपने बताना है आपके स्कूल के पास में कौन से दो लैंड मार्क्स है और राइट यू नो मोस्ट ऑफ द सिंबल्स यूज इन अ मैप आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सिंबल्स एज दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिम्बल्स आर द क्रिएटेड ऑन आर ओन आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड सिम्बल्स अब देखो ये जो सिम्बल्स हैं इनको आप क्या बोलोगे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल के सिम्बल को क्या आप बोलोगे दीज आर स्टैंडर्ड सिंबल्स मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड अगर कोई ये देखेगा तो क्या समझेगा हॉस्पिटल समझेगा बट ऐसे कुछ सिम्बल्स हो सकते हैं जो आपने खुद क्रिएट किए हैं दैट आर नॉन स्टैंडर्ड सिम्बल्स ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज कम्पास सो वट इज अ कंपास द फोर डायरेक्शन आर श्रोन बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय पायलट्स इन द एरोप्लेन्स कैप्टन ऑफ शिप्स एंड फॉरेस्ट रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ऑल्सो यूज कंपासज टू फाइंड डायरेक्शन अब देखो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राइट अब ये जो डायरेक्शन है ठीक है अब आप पायलट लेट्स जो एरोप्लेन पायलट जब एरोप्लेन्स रन करते हैं या फिर आप फॉरेस्ट में हो या ऐसी जगह कहीं पर हो बीच पर हो जब आपको पता नहीं है डायरेक्शन का कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस समय में कंपास काम आता है ठीक है टू फाइंड डायरेक्शंस यू नो मैग्नेटिक कंपास डज नॉट पॉइंट टू आ जोग्राफिक पोल बट टू द मैग्नेटिक पोल अब देखो जो कंपास होता है ठीक है जो मैग्नेटिक कंपास होता है जिसमें क्या मैग्नेट अटैच होगी वो क्या ज्योग्राफिक पोल को नहीं पॉइंट करेगा अच्छा हमें पता है जो मैग कंपास होता है हमेशा का नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है राइट बट वो जोग्राफिक और मैग्नेटिक मतलब क्या हुआ जोग्रेफिक मतलब लेट्स जहाँ से सूरज उग रहा है ठीक है उसको हम क्या बोल देते हैं ईस्ट बोल देते हैं है ना उस बेसिस पे जो डायरेक्शन तैयार रखे वो है जोग्राफिक पोल्स ठीक है उसके अलावा और क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं ठीक है तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के टूवर्ड्स पॉइंट करता है राइट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज Now let's summarize what we have learned so far in this chapter. So a map shows an area and object through lines and symbols on a flat surface. Map is an easy way of showing places or objects in relation to their position. Direction are important to help people reach a place. The rising sun helps us to locate the direction. Pilots, captains of ships and forest rangers use a compass to find directions in air, water, and forest. So I hope you chapter. Aapko aaya hoga. So, based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.